कम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर। आज जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं वो है ESIC, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। इस एक्ट की यदि हम बात करें तो ये एक्ट है 1948। ये 19 अप्रैल 1948 को एनफोर्स हुआ था। और जब हम बात करते हैं इस एक्ट की, तो इस एक्ट का एम क्या था? प्रोवाइडिंग फॉर ए सर्टेन कैश बेनिफिट टू द एम्प्लॉई इन द इवेंट ऑफ सिकनेस, इन द इवेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जर्नी, इन द इवेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। इट कंटेन सर्टेन प्रोविज़न। अब हम बात करें, ये जो एक्ट है ये एम्प्लॉय को कैश बेनिफिट देता है सिकनेस के केस में, इंजरी के केस में, मेडिकल फैसिलिटीज़ के केस में। और यदि हम देखें तो ये जो एक्ट है ये एप्लीकेबल कहाँ होता है? उन फैक्ट्रीज़ पे जहाँ पे विदाउट द एड ऑफ पावर जो है 20 वर्कर एंड मोर वर्कर वर्क कर रहे हैं, विद द एड ऑफ पावर 10 वर्कर जो है वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे अप्लाई होता है। तो ये सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन का पार्ट है, और जो ह्यूमन कंडीशंस जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। और ये जो डिफरेंट फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर हम देखें, एक प्रोविजंस के अंदर हम देखें, तो ये हेल्प करता है एम्प्लॉयर को किसकी एम्प्लॉय की मदद करने में, किसके केस में? सिकनेस के, एम्प्लॉयमेंट इंजरी और मेडिकल फैसिलिटीज़ के केस में भी हेल्प करता है। अब इस एक्ट के अंदर जो एम्प्लॉय रजिस्टर्ड होते हैं उनका एक कार्ड बनता है, आइडेंटिटी कार्ड बनता है, और उस अकाउंट नंबर पर उनका जो है कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ESI का। उस के लिए यहाँ पे हम बात करेंगे मशीनरी जो है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ESI। वहाँ पे हम देखेंगे कि ESI कॉरपोरेशन जो है सबॉर्डिनेट टू द स्टैंडिंग कमेटी, और मेडिकल बेनिफिट काउंसलिंग जो है उसके साथ क्या करती है? कोऑर्डिनेट करती है। और आप ये देखें, ये जो ESI है ये पब्लिक कॉरपोरेशन कंट्रोल एंड सब्सिडाइज है बाय गवर्नमेंट। और ESI के अंदर जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ठीक है ना, बोथ चाहे एम्प्लॉयर हो चाहे एम्प्लॉई हो, ठीक है ना, डोनेशन या गिफ्ट की फॉर्म में या लोकल बॉडीज़ या इंडिविजुअल की फॉर्म में, उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अंदर हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर हम सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट, डिपेंडेंट बेनिफिट, इन सबको इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा मेडिकल और फ्यूनरल एक्सपेंसेस को भी इंक्लूड करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम समझेंगे इस एक्ट के अंदर ये क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की, एक्ट कहाँ पर एप्लीकेबल होता है। जैसा कि हमने बात की थी, फैक्ट्रीज़ जहाँ 20 एम्प्लॉई विदाउट एड ऑफ पावर, ठीक है ना, और हम देखें, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे पावर का यूज़ नहीं होता वहाँ ज़्यादा 20 या मोर वर्कर काम करेंगे, और जहाँ पावर का यूज़ होता है वहाँ कम वर्कर काम करेंगे 20 से कम। शॉप्स जो हैं, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल जो हैं, न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट हैं, रोड मोटर ट्रांसपोर्ट जो अंडरटेकिंग हैं जहाँ पे 20 और मोर एम्प्लॉई वर्क करते हैं वहाँ पे अप्लाई हो रहा है। इस एक्ट के नॉन एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो माइंस, रेलवे रनिंग, सीजनल फैक्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो आपके एस्टेब्लिशमेंट आते हैं, इंडस्ट्रीज़ आती हैं, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर जो भी यूनिट्स आती हैं वो इसके अंदर कवर नहीं होती। बेनिफिट्स को हम वन बाय वन यहाँ पे समझेंगे PPT के थ्रू कि क्या क्या बेनिफिट हैं। जैसे मेडिकल बेनिफिट के बारे में हम समझेंगे, सिकनेस बेनिफिट के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे डिसेबलमेंट बेनिफिट क्या है, डिपेंडेंट बेनिफिट क्या है, फ्यूनरल एक्सपेंसेस की लिमिट क्या है, मेडिकल एक्सपेंसेस क्या हैं, फिर इनके पूरा ना करने पर क्या पेनल्टी है उनको भी हम यहाँ पे समझेंगे। आते हैं देखो हम जो मेडिकल बेनिफिट की यदि हम बात करें क्या क्या बेनिफिट हैं। इतना तो हमें समझ आ चुका है, जो ESI स्कीम जो है यदि हम बात करें, 31 मार्च 2010 तक जो अमेंडमेंट थे कि नंबर ऑफ स्टेट जो कवर होते हैं 29 होते हैं, सेंटर होते हैं 787 होते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉई 1.39 करोड़ होते हैं, नंबर ऑफ इंश्योर्ड पर्सन 1.43 करोड़ जो हैं, ठीक है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ बेनिफिशरी 5.5 करोड़ हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कवर्ड 4.06 लाख हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो नंबर ऑफ रीजनल ऑफिसर्स की बात करें तो 52 हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस 798 हैं, ESI हॉस्पिटल 148 हैं, नंबर ऑफ हॉस्पिटल नेक्स्ट हैं जो वो हैं आपके 42, फिर हैं आपके टोटल हॉस्पिटल के अंदर जो बेड हैं 27,739, ESI डिस्पेंसरी हैं 1,388, नंबर ऑफ IMO जो हैं वो हैं 8,925। अब हम देखें, एन एन एवरेज ESI कॉरपोरेशन में 40 लाख इंडिविजुअल अमाउंटिंग टू अबाउट 300 करोड़ थ्रू इट्स वाइड स्प्रेड, की जो ESI जो है वो क्या करती है, सोशल सिक्योरिटी के अंदर
इंडिविजुअल को 40 लाख तक का और टोटल जो है अमाउंट जो है 3 करोड़ रुपए तक का जो है वो कंट्रीब्यूशन करते हैं। हम देखें एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट की हमने बात की थी कि ये जो एक्ट है कहाँ एप्लीकेबल होगा। जहाँ पे हम बात करें 10 एम्प्लॉय की बात करें, 20 एम्प्लॉय की हम बात करें, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 जो बता रही है, अंडर द सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 द एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू द फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग 10 और मोर पर्सन इररेस्पेक्टिव ऑफ यूज्ड पावर इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और नोट। तो फैक्ट्री में 10 और उससे ज़्यादा पर्सन है वहाँ पे अप्लाई होगा। हमने पहले समझा ही था जहाँ पे लेस पावर का यूज़ नहीं होता वहाँ ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं, जहाँ पावर का यूज़ होता है कम एम्प्लॉय होते हैं। तो दोनों पर ही अप्लीकेबल है। अंडर सेक्शन 1 सब सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू द शॉप, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा इंक्लूडिंग थिएटर, रोड मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग एंड न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट इंप्लॉइंग 20 और मोर पर्सन। तो इन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर यदि वो शॉप है, होटल है, रेस्टोरेंट है, सिनेमा है, वहाँ पे 20 और मोर पर्सन वर्क करते हो। फर्दर अंडर सेक्शन 1 सब सेक्शन 5 हम देखें तो ये जो ESI स्कीम है प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ 20 और मोर पर्सन किसी स्टेट के अंदर वर्क करते हैं। यहाँ पे हम बात करें वेज लिमिट की, हम बात करें तो वेज जो है 15,000 जो है आपकी है पर मंथ। हम यहाँ पे देखें इस वेज के अंदर हम रेमुनेशन फॉर ओवर टाइम को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये आपका इफेक्टिव कब से है, 1st of May 2010 से इफेक्टिव है। कंट्रीब्यूशन की बात करें, ESI कंट्रीब्यूशन जो होता है टोटल 6.5 ऑफ ग्रोथ सैलरी होता है। इसमें ESI जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है 1.75 ऑफ ग्रोथ सैलरी होता है, एम्प्लॉयर का ESI कंट्रीब्यूशन जो होता है 4.75 ऑफ ग्रोथ सैलरी होता है। फिर हम देखें कि जो जी जो आपका कंट्रीब्यूशन है इसको डिपॉजिट करवाना होता है, ठीक है ना, उसका टाइम लिमिट क्या है। द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय शेयर इज़ टू बी डिपॉजिटेड विद द ऑथोराइज्ड बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थ्रू ऑनलाइन जनरेटेड चलान ऑन और बिफोर 21st day ऑफ द सक्सीडिंग मंथ और ऑफ द फॉलोइंग द कैलेंडर मंथ। कि जो कंट्रीब्यूशन ऑनलाइन सबमिट होगा वहाँ आप SBI जो बैंक की कॉर्पोरेट बैंकिंग जो भी आपका है ई बैंकिंग या फिर आप SBI का जो ऑनलाइन चलान जनरेट करके 21st ऑफ द मंथ जमा करा सकते हैं। इफ़ द एम्प्लॉय ड्रॉइंग अप टू 700 एज ए डेली वेजेस ही इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। कि यदि एम्प्लॉय की वेजेस जो है 700 एवरेज है तो उस वहाँ पर एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन 4.75 ऑफ सैलरी होगा। स्टेट बियर 1/8 शेयर ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल फैसिलिटी विद इन द पैरा सीलिंग 500। यहाँ पर हम देखें कि यहाँ स्टेट जो है 1/8 शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर बियर करेगा, ठीक है ना, जिसकी लिमिट जो है मेडिकल बेनिफिट की जो है पर कैपिटा सीलिंग जो है 500 है, आपकी 1200 है। इसके अलावा अब हमें समझनी है इन सब चीज़ों के साथ साथ कि जो पेनल्टीज़ क्या हैं, पेनल्टीज़ एंड डैमेज क्या हैं, इन चीज़ों को भी हम समझ लेते हैं। इफ़ एनी पर्सन कमिटेड एनी ऑफेंसेज आफ्टर हैविंग बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ही विल बी पनिशेबल फॉर एवरी सच सब्सिक्वेंट ऑफेंस एंड इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड अप टू 2000 और बोथ। कि यहाँ पे यदि कोई पर्सन है इसके अंदर मिस्टेक कर रहा है, प्रोविज़न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस पर 2000 रुपये तक का क्या हो सकता है, आपका पेनल्टी हो सकती है और इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा देखें इफ़ सब्सिक्वेंट ऑफेंस, यदि पहले उसने की थी मिस्टेक और दोबारा कर रहा है, इस फॉर फेलियर टू पे एनी कंट्रीब्यूशन देन फॉर एवरी सच सब्सिक्वेंट ऑफेंस ए पर्सन इज़ लाइबल टू पनिशमेंट फॉर ए टर्म इम्प्रिजमेंट विच मे एक्सटेंड अप टू 1 year। कि यहाँ पे हम इम्प्रिजमेंट 1 year का है, ठीक है ना, और कम से कम 3 month का इम्प्रिजमेंट होगा और फाइन क्या होगा आपका बढ़ा के जो 2000 था उसको 4000 कर दिया गया है। फिर देखें एनी कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यू अंडर द एक्ट नोट पेड कैन बी कवर्ड थ्रू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। एम्प्लॉयर इज़ लाइबल टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर ईच डे ऑफ द डिफॉल्ट एंड डिले इन ए पेमेंट ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। ESI इज़ एम्पावर्ड टू रिकवर डैमेज फ्रॉम द एम्प्लॉयर हु फेल टू पे द कॉन्ट्रीब्यूशन और डिले पेमेंट। द अमाउंट ऑफ डैमेज कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। कि यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ डैमेज होगा वो अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा नहीं होगा। डैमेज कैन ऑल्सो रिकवर एज द एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो इन सब चीज़ों को हमने समझा कि पेनल्टीज़ क्या हैं, डैमेजेस क्या हैं, इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया। हमारा पर्पज़ यही था कि जो आपका ESI एक्ट है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, उसके अंदर क्या अमेंडमेंट आए हैं, क्या 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 बेनिफिट जो हैं वो एम्प्लॉय को
अवेलेबल होने चाहिए, उन सब बेनिफिट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक्स।